अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन समझिए क्या है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस वेट ऑफ मटेरियल, आपको ग्रॉस वेट ऑफ मटेरियल निकालना है जब स्क्रैप गिवन हो। स्क्रैप आपको पता है माइनस हो जाता है। अजीत स्टील लिमिटेड हैज़ टू सप्लाई 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग है और वो है ABC। देखो ABC लिखा हुआ है। कास्टिंग वेटिंग रिस्पेक्टिवली 72 टन्स, 180 टन्स एंड 10 टन। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर मैं लिख दिया ABC 72 टन्स, 180 टन और 102 टन्स। अब क्या कहता है, 10% ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन वेस्टेज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये कह रहा है कि उस प्रोडक्ट को बनाने में 10% तो वेस्टेज ही हो गए, यानी कि बाकी जो बना वो आपका सेल हो गया, तो यानी कि बाकी कितना बचा आपका 90%। तो हमने इन सभी का क्या करना है, 100 अपॉन 90 और 100 अपॉन 90। 0 9 72, 80 आ गया, 20 आ गया और 9 1 9 9 2 18, 120 के आसपास आ गया। ये 80 टन, 200 टन और 120 टन, ये 800 टन है, 200 टन है और 180 टन्स है। ये जो 800 है, 200 टन है, 120 टन्स है, इसे आप याद रखोगे। विच इज़ सोल्ड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कहता है उसको 20% बेच दिया गया है। ठीक है, किसका 20%, इसका, इसका क्या कहता है वो, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 750 पर टन है। कहता है उस रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 750 रुपये है और उसे 80 टन, 200 टन, 120 में सेल कर दिया, यानी कि इसको आपने 750 से इंटू करके रॉ मटेरियल निकालना है। ठीक है, लेबर कॉस्ट है एज इट इज़ आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मॉडल्स आ जाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जो बने वो 25% हो डायरेक्ट लेबर का, मतलब इसका 25% कह रहा है। ऑफिस और सेलिंग ओवरहेड 20% हो, वर्क कॉस्ट हो, जो वर्क कॉस्ट आएगी उसका 20% है। प्रॉफिट जो हो वो 15% हो सेल प्राइस का। सिर्फ ये जो लाइन है इसी से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। अब यहाँ देखिए, मैंने 750 को इंटू करा 80 से 60,000, 750 इंटू 200 150,000 और 90,000 लेस सेल ऑफ स्क्रैप। कितना सेल ऑफ स्क्रैप हो गया था, 20% किसका, 750 का, 750 का 20% 150 रुपये हुआ, मतलब 150 टन से मुझे इंटू करना है। लेकिन हर अमाउंट में कितना कितना लेस हो चुका है आपका, 10% किया 72, 8 टन रह गया, 10% किया 20 टन रह गया, 10% किया 12 टन रह गया। इन तीनों को हमने 150 से इंटू किया, ये हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड आ गया। फिर तो सिंपल है, आपका डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट ऑफ मॉड्यूल्स लिए, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड 25% था डायरेक्ट लेबर का, मतलब इसका 25% यह आ गया, वर्क कॉस्ट आई, जो वर्क कॉस्ट आया उसका 20% कर दिया। अब वो क्यों कह रहा था कि 15% है सेल प्राइस का, क्वेश्चन में सेल प्राइस तो दे नहीं रखा, तो आपका कॉस्ट प्राइस 85 रह गया, मतलब इसका 15 अपॉन में 85, इसका 15 अपॉन में 85, इसका 15 अपॉन में 85, तो ये आपका क्या आ गई, सेल आ गई। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में कहता है कि 3 टाइप्स ऑफ कास्टिंग है और उनका वेट 72 टन, 180 टन और 10 टन है, ये तो ऊपर लिख लोगे आप। 10% ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन वेस्टेज, मतलब जो है 10% तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हुए ही वेस्ट हो चुका है। इसका मतलब 10% अगर वेस्ट हो गया तो 90% उसका हमारा मैन्युफैक्चर, मतलब रेडी हो गया प्रोडक्ट आपका। विच इज़ सोल्ड एट 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट, उसको 20% ऑफ मटेरियल कॉस्ट पर बेच दिया गया और आपकी पास मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है 750 रुपये है। 750 का 20% बेच दिया, 150 रुपये, 150 को कितने टन से, वो 10% ऑफ मटेरियल जो वेस्टेज हो गया, बाकी सारा आपको पता ही है।